why should I listen? On what basis? Do you have a constitutional basis? No. Are you a financial expert? No. Do you have a Nobel Prize? No. Have you performed better than us? No. On what basis should I change my policy for you? Is this some like extra constitutional diktat that's coming from heaven? What are you talking about? मोंटाज में ये वीडियो सुना आपने? ये है तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर पीटीआर जो प्रधानमंत्री मोदी को कह रहे हैं कि आपको संविधान ने ये हक दिया है, क्या आपको नोबेल मिला है, क्या आप इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, क्या आपने हमसे अच्छा काम किया है जो आप हमें सिखा रहे हैं कि आप जो है रेवड़ी कल्चर मत बांटिए। दरअसल मामला क्या है वो समझिए। रेवड़ी कल्चर को लेकर तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, जहां पर मोदी सरकार का कहना है कि जो रेवड़ी कल्चर अगर इस तरीके से हम जनता में बांटेंगे, फ्री की स्कीम अगर जनता के लिए लागू करेंगे तो इससे सरकार का नुकसान होगा, इस तरीके की स्कीम जो है देश को बर्बाद कर देगी, उसको आर्थिक मंदी में डाल देगी। लेकिन इस पर जो है तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर पीटीआर ने राहुल कंवर को ऐसा धोया कि वो अपनी बगले झांकने लगे। दरअसल मामला था फ्री बीज पर डिबेट हो रही थी जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर पीटीआर भी शामिल थे, उनको लेकर राहुल कंवर जो है प्रधानमंत्री के रेवड़ी कल्चर को और वेलफेयर स्कीम को जस्टिफाई कर रहे थे। वो पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वेलफेयर स्कीम अलग चीज है, लेकिन अगर आप फ्री में रेवड़ी बांटेंगे, फ्री बीज वाली स्कीम आप लोगों को देंगे, अब वो क्या हो सकती है? फ्री में शिक्षा, फ्री में स्वास्थ्य, फ्री में रोजगार, तो ये चीजें अगर बांटेंगे तो देश की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। राहुल कंवर इसको बड़ी चतुराई से समझा रहे थे। उस पर क्या था, जो पीटीआर तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर है वो भड़क गए और उन्होंने जो धोया है उनको, वो फिर अपनी बगले झाड़, उनके पास जवाब तक नहीं बना। जी हाँ, उन्होंने साफ साफ कहा भाई प्रधानमंत्री कौन है, क्या प्रधानमंत्री को संविधान ने हक दिया है, क्या वो इकोनॉमिक एक्सपर्ट है, क्या उन्होंने हमसे अच्छा काम किया है, क्या उनको नोबेल मिला है, क्या उनको माइक्रो इकोनॉमी की कोई समझ है, किस बिना पर वो हमें सलाह दे रहे हैं कि पहले हमसे अच्छा काम करके दिखाइए तब जाकर हमें सलाह दीजिए, और हम किसी की सलाह के लिए बाध्य नहीं है। हमारा जो काम है, हमारे सीएम ने बताया है कि जनता के लिए काम करें, हम वो करते रहेंगे। तो पीटीआर ने इनको जो है बड़े अच्छे तरीके से इनको समझाया है कि आप जो है फ्री स्कीम, फ्री बीज की जो बात कर रहे हैं उस पर पीटीआर का जवाब सुनने लायक था, आज सोशल मीडिया पर वो वायरल हो रहा है। तो ये ताकत है बहुजनों की, खासकर तमिलनाडु में। साउथ में जिस तरीके से पेरियार, फूले पेरियार की राजनीति है, अंबेडकरवादी राजनीति है, वहां पर जो है ब्राह्मणवाद मनुवाद को टक्कर देता है। वहां पर जो सरकार है, जो सांसद है, वो लगातार मनुवाद ब्राह्मणवाद से लड़ते आए हैं और उसी का नतीजा है कि तमिलनाडु में के जो फाइनेंस मिनिस्टर है पीटीआर ने डिबेट में उनको ऐसा जवाब दिया है कि उन पर जवाब नहीं बना। अभी हाल ही फिलहाल में इसी को लेकर पीटीआर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला तक किया था। आप समझिए, एक तरफ सरकार जो है उज्ज्वल योजना और तमाम जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को स्कीमें सुनाती है, लेकिन उसमें एग्जैक्टली जनता को डायरेक्ट लाभ नहीं पहुंच पाता है, सिर्फ वो नाम और पेपर पर होती है। फायदा किसको होता है? अंबानी अडानी को, उनके यार दोस्त जो होते हैं। लेकिन जब जो राज्य सरकार है, चाहे केजरीवाल हो, चाहे तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सरकार हो या हेमंत सोरेन की सरकार हो, जब ये जनता के लिए स्कीमें बनाते हैं, जनता के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तब जो है केंद्र सरकार जो है इसमें अड़ंगा अड़ाती है। तो आप समझिए कि प्रधानमंत्री खुद तो रेवड़ी बांटने का क्रेडिट लेंगे, एक तरफ संसद में कहेंगे कि हमने 80 लाख लोगों को फ्री में खाना खिलाया, मुफ्त का खाना खिलाया, टोंट मारते हैं और इस पर जो है अपनी पीठ थपथपाते हैं, जबकि ये शर्म आनी चाहिए इनको कि आज भारत के 75 वर्ष बाद भी आज देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको सरकार की तरफ से खाना खिलाया जा रहा, जो जिनके पास रोजगार नहीं है, जो भूखे मर रहे हैं। तो आप सोचिए, सरकार अपने लिए तो क्रेडिट लेती है, लेकिन वहीं दूसरी राज्य सरकार अगर ये फ्री का काम करती है, डायरेक्ट सरकार जो है जनता के फायदे के लिए, वेलफेयर के लिए फ्री में सुविधाएं देती है, तो उनको फ्री की रेवड़ी बताती है, फ्री का रेवड़ी कल्चर बताते हैं, तो आप अंदाजे लगा सकते हैं। और तमिलनाडु से जिस तरीके से पीटीआर जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने जवाब दिया है, उसके बाद से राहुल कंवर जो, देखिए
अगर अपोजिशन का कोई नेता होगा तो किस तरीके के सवाल पूछते हैं, वही जब जो केंद्र सरकार के मंत्री इनके स्टेज पर आते हैं तो किस तरीके से उछल कूद करते हैं, ये वीडियो भी देख लीजिए। तो देखा आपने, ये है अनुराग ठाकुर, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टर मिनिस्टर। आप समझिए, इनसे सवाल होना चाहिए था, लेकिन वही राहुल कंवर जो तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल करते हैं कि वेलफेयर और फ्रीबीज में फर्क है, डिफरेंस है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी समझा रहे हैं, तो उनसे ऐसा सवाल होता है सरकार का प्रवक्ता बनकर। वही जब इनके स्टेज पर केंद्र सरकार के मंत्री आते हैं, अमित शाह आते हैं, मोदी आते हैं, तो इनके सवाल देखिए, सवाल तो छोड़िए, ये वहां पर जो है नाच गाना कर रहे हैं। किस तरीके से इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से मनोरंजन हो रहा है, इनसे सवाल नहीं होगा, लेकिन इनके जो बीजेपी के जो मंत्री हैं उनसे सवाल नहीं होगा। तो राहुल कंवर जो एक तरफ अपोजिशन के नेता से ऐसा सवाल करते हैं फ्रीबीज और वेलफेयर वाला, वहीं दूसरी तरफ जब बीजेपी के मंत्री आते हैं अनुराग ठाकुर, तो उनके साथ देखिए किस तरीके से नेन मटक का लड़ा रहे हैं और उनके साथ उछल कूद कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें है आज की गोदी मीडिया की। सरकार इसीलिए चाहती है कि इनके साथ जो मीडिया है, मेनस्ट्रीम मीडिया, वो बना रहे और जो सोशल मीडिया जो सवाल करता है, इनसे सवाल पूछता है, उस पर बैन लगा दिया जाए, जैसे आज 8 चैनलों को बैन कर दिया गया, जिसमें लोकतंत्र टीवी जो है वो सबसे ऊपर है और किस तरीके से वो सवाल करता था उसी को इन्होंने बैन कर दिया। देखिए ये जो तमिलनाडु का जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर राहुल कंवर को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर दिलीप मंडल ने लिखा है, वो मैं आपको सुना देता हूं। देखिए दिलीप मंडल ने लिखा है, सब छोड़कर इसे सुनिए, तमिलनाडु के वित्त मंत्री भाई पीटीआर मदुराई केंद्र से पूछ रहे हैं कि हम राज्य का फाइनेंस कैसे चलाए, इस पर सलाह क्यों दे रहा है तू कौन है, तेरी क्यों सुने, क्या तुझे संविधान ने ये पावर दी, क्या तू एक्सपर्ट है, नोबल मिला है, क्या हमसे बेहतर शासन चला रहे हो। तो देखिए जिस तरीके से पीटीआर मदुराई ने जवाब दिया है, उससे जो है राहुल कंवर जो है एकदम भौचक्का हो गए, उनको समझ ही नहीं आया कि मुझे क्या करना है। तो इस बात से आप अंदाजे लगा सकते हैं, एक तरफ तमिलनाडु का जो गवर्नेंस मॉडल है, जिस तरीके से वहां पर सरकार चलाई जा रही है, वेलफेयर की स्कीमें चलाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो राज्य में सरकार है वो लगातार जो है भारत को दिखाती है कि आर्थिक मंदी है, लेकिन जब इनके यार दोस्तों को प्रोजेक्ट और प्राइवेटाइजेशन की बात आती है तो ये सबसे आगे मिलते हैं, लेकिन जब जनता की सरकार की बात आती है तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है। और ये वीडियो जो है राहुल कंवर और अनुराग ठाकुर की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, किस तरीके से ये दोनों नैन मटक का लड़ा रहे हैं उसको फिर से देख लीजिए। देखा आपने, तो ये वीडियो थी आज जो है गोदी मीडिया को इसी तरीके से जवाब देने की जरूरत है, खासकर जो बहुजन नेता उनको समझना पड़ेगा कि आपको गोदी मीडिया के सामने जाकर आप सोचते हैं कि ये लोग बदल जाएंगे या ये लोग अच्छे हैं या इनके जरिए हम लोग जनता तक पहुंचेंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। ये कभी भी आपको जो है एज ए हीरो प्रमोट नहीं कर सकते, ये हमेशा आपको एज ए विलन ही प्रमोट करेंगे। और जिस तरीके से पीटीआर मदुराई ने जवाब दिया है, जो तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उससे राहुल कंवर भौंकला गए और उनके पास कोई जवाब नहीं बना। और बात यही में ये हकीकत है कि क्या मोदी जी इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं, क्या वो किसी तरीके का उनको नोबल मिला है, क्या वो उनको संविधान ने यह हक दिया है कि वो राज्य सरकार को बताए कि आपको किस तरीके से काम करना है, या तमिलनाडु की सरकार से बढ़िया स्कीम है केंद्र सरकार चला रही है। ये जो है पीटीआर मदुराई जो तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने सवाल पूछा है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।